मनीष कश्यप यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कहिए, सन ऑफ बिहार कहिए, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो बताने के लिए आए हैं वो ये है कि मनीष कश्यप अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। जी हाँ, बेतिया के जगदीशपुर ओपी में मनीष कश्यप ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियान रात, या फिर यूं कहें कि तड़के, सरेंडर कर दिया है। अब सवाल है कि बेतिया के जगदीशपुर ओपी को ही मनीष कश्यप ने सरेंडर के लिए क्यों चुना? अब से पहले उन्होंने क्यों नहीं सरेंडर किया और अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया? सवाल ये भी है कि ईओयू सहित बिहार और तमिलनाडु की पूरी पुलिस मनीष कश्यप को क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी? तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर एक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ताज़ा अपडेट देते हैं। अभी अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप के सरेंडर की सूचना मिलते ही तमिलनाडु पुलिस की एक टीम पटना पहुंच चुकी है, जो मनीष कश्यप से फर्जी वीडियो मामले में पूछताछ करेगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि मनीष कश्यप को जगदीशपुर ओपी से बेतिया शहर ले जाया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब मनीष कश्यप को पुलिस अपनी कस्टडी में बेतिया ले जा रही है। विजुअल्स बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। अब हम आपको मनीष कश्यप के बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र के डुमरी महनवा स्थित उनके घर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी पुलिस की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब मनीष कश्यप के घर के कुर्की जब्ती की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक तब तक यहां की पुलिस को ये सूचना नहीं थी कि मनीष ने जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया है। खबरों की माने तो आत्मसमर्पण की सूचना मिलने के बाद फौरन रोक दी गई। हालांकि तब तक काफी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए थे। माना जा रहा है कि स्थानीय लोग मनीष कश्यप पर कार्रवाई से नाराज थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर कानूनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। विगत दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया जिले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई की। बकौल ईओयू के एडीजीपी यानी आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान के मुताबिक मनीष कश्यप ने यूं ही सरेंडर नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे ईओयू और बिहार तमिलनाडु पुलिस का दबाव है। नैयर हसनैन खान ने आईवीटीवी से खास बातचीत के दौरान बताया कि सारे खाते फ्रीज होने के बाद से मनीष कश्यप के पास पैसों का स्रोत बंद हो गया था। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली एनसीआर सहित बिहार के हर उस संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही थी जहां मनीष कश्यप शरण ले सकते थे। यही नहीं, बेतिया के एक मामले में उसके मंझौलिया थाना क्षेत्र के डुमरी महनवा स्थित घर की कुर्की भी जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यही वजह है कि मनीष कश्यप हर जगह से भाग भाग कर थक गए थे और वो मोतिहारी से बेतिया स्थित अपने घर जाने के दौरान सबसे नजदीकी ओपी जगदीशपुर में आत्मसमर्पण कर दिए। नैयर हसनैन खान की माने तो चूंकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को पहले ही ये खबर लग गई थी कि मनीष कश्यप अपने घर आ सकते हैं, जगह जगह नाकेबंदी करके रखी गई थी, लिहाजा उसने थक हार कर गिरफ्तारी से बचने के लिए जगदीशपुर ओपी में आत्मसमर्पण कर दिया। जिस वक्त मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, ये तस्वीरें उसी वक्त की है। देखिए, लिवाइस की पीली शर्ट, सलेटी कलर की जीन्स में मनीष कश्यप जगदीश ओपी के चबूतरे में खड़े दिख रहे हैं। एक तस्वीर हाजत के अंदर की है और दूसरी तस्वीर कुर्सी पर बैठने के दौरान की है। बाएं हाथ में उन्होंने घड़ी भी पहन रखी है। चेहरे को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप परेशान दिख रहे हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब तक वो आजाद घूम रहे थे और अब वो कानून के जबड़े में आ चुके हैं। अब सवाल है कि आगे मनीष कश्यप के साथ क्या
क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में नय्यर हसनैन खान ने बताया कि उनका आर्थिक अपराध इकाई वाले केस में चालान किया जाएगा और फिर उसके बाद रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी ताकि पूछताछ कर आरोपों की सच्चाई के बारे में पता लगाया जा सके। एक सवाल के जवाब में नय्यर हसनैन खान ने ये भी बताया कि जिस वक्त मनीष कश्यप वांटेड थे तब वो कैसे दिल्ली NCR सहित बिहार के कई चैनलों में इंटरव्यू दे रहे थे, इसकी भी पड़ताल की जाएगी और ये देखा जाएगा इसमें उनकी किन किन लोगों ने मदद की है। यही नहीं, उन पर दर्ज पुराने मामलों को भी खंगाला जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ बेतिया में ही उन पर 7 केस दर्ज हैं, जिनमें 5 में वो चार्ज शीटेड भी हैं। वैसे मनीष कश्यप के लिए सबसे राहत वाली खबर ये है कि सरेंडर के बाद उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है।